नमस्कार, मैं द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूँ। लगातार डेरा सच्चा सौदा से लाइव तस्वीरें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। मैम, आपका नेम? अमरपाली चौधरी इंसा। आपका कब से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हो? 96 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। मैम, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद? मुझे एक वो नई जिंदगी, नया अनुभव मिला है और जैसे जैसे हम यहाँ अपने कदम बढ़ाते गए उसी तरह से हमारी जो जीवन का स्थिरपन था वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से गुजरने लगा। और आज डेरा सच्चा सौदा को हमारा पूरा परिवार, यानी कि 3 पीढ़ियां हमारी डेरा सच्चा सौदा को हमारा एकदम अपना धार्मिक स्थल, जो भी दुनियादारी में अपना इष्ट भगवान जिस तरह से मानते हैं उसी तरह से हमारा आधार डेरा सच्चा सौदा है। और मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का रोम रोम में गुरु जी के प्रति, डेरे के प्रति जो श्रद्धा भावना वो कहने सुनने से परे है। और मैं, हाँ जी, अब भी कितना विश्वास है आपको आज भी गुरुजी पर, जबकि उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए गए, तो क्या आपका विश्वास डगमगाया या वो अभी भी बरकरार है? गुरुजी पर हमें जो विश्वास पहले था वो विश्वास उससे भी बढ़कर आज भी है, क्योंकि हर तरह का एहसास जो इंसान महसूस करता है वो वैसा ही बयान करता है। हमें ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा जो कि हमारा विश्वास डोले। यहाँ मुर्दों को जिंदा किया गुरुजी ने, जो लाइलाज बीमारी थी वो हमारी आंखों के सामने हमने ठीक होते हुए देखी, तो फिर हमारा विश्वास डोलने वाली तो बात ही नहीं है। जैसा कि आपने कहा डेरा सच्चा सौदा, मतलब आपको यहाँ से सब कुछ मिला है, आप उन्हें अपना भगवान, इष्ट देवता मानते हैं, आपकी पूरी फैमिली भी उनको मानती है, तो कितनी ज़रूरत है आज संत जी को, संत जी की इस समाज को सुधरने के लिए? दुनिया सारी इस चीज़ को बिल्कुल मान चुकी है कि गुरु जी को एक षड्यंत्र के तहत इल्ज़ामों में फंसाया गया है। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। संत फकीरों का ये सिलसिला अभी कोई नया नहीं है, इतिहास गवाह है, आदिकाल से यही होता आया है। और जो समाज सुधार के काम हमारे गुरु जी ने किए वो सारी दुनिया के आगे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, गुरुजी के समाज सुधार कार्यों का डंका विदेशों तक बज रहा है। वैश्याओं को बेटी बनाना और जो ड्रग्स माफिया हैं उनको प्रेरित करना, नशे मुक्त समाज को बनाना, ये सब जो भलाई के कार्य है, जीते जी गुर्दा दान, आँखें दान, ब्लड दान, सब ये गुरुजी की दया मेरे से यहाँ हमारी साथ संगत करती आ रही है। और जो ये समय आज का गुजर रहा है ये हमें ऐसे लग रहा है कि गुरुजी का जेल में जाने के बाद में ये काम स्थिर सा एक बार के लिए हो गया है। इसमें सिर्फ हम जैसे अनुयायियों का ही लॉस नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नुकसान है। आने वाली युवा पीढ़ी जो कि सुधर रही थी, जो गुरुजी दिशा निर्देश हमें देते थे, पर स्त्री, पर पुरुष, छोटी हैं बहन बेटी के समान, अगर पर पुरुष जो भी है उनको बड़े हैं तो पिता के समान, भाई के समान, पुत्र के समान, हर तरह से संस्कारों की जो पढ़ाई हमारे गुरुजी करवा रहे थे वो एक बार के लिए स्थिर है। हालांकि हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हमारे बच्चों को हम संस्कार अच्छे दे रहे हैं, लेकिन एक संस्था में कोई धार्मिक गुरु, कोई धार्मिक संस्था बार 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 इस चीज़ को, तो वो समाज उस चीज़ को बहुत गहराई से पकड़ता है। और जैसे दूसरा जो वचन बताते थे कि शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं खाना, तो उस चीज़ में भी काफ़ी जो है हमारा समाज, युवा पीढ़ी उसमें गिरती जा रही है और शराब के नशों में धुत होती जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए एक नुकसानदायक है। जैसे कि आप एक महिला हैं, तो एक महिला होकर आप डेरा सच्चा सौदा में कितनी सुरक्षित हैं? डेरा सच्चा सौदा में जो महिलाएं सुरक्षित हैं वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी सुरक्षित नहीं है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये सरासर
बिल्कुल झूठी अफवाहें, झूठी बकवास जो लोग इस तरह की बातें रखते हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि वो इस तरह से घिनौनी हरकत करते ही क्यों हैं। डेरा सच्चा सौदा में कदम रखते ही असीम शांति महसूस होती है और हम आते हैं, हमारी बेटियां आती हैं, जैसे ही हम इस चार दीवारी के बाहर आ करके प्रवेश करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि एक बेटी अपने बाप की घर आ चुकी है और बेफिक्र होकर के हमें यूँ महसूस होता है कि वास्तव में ही हमें यहाँ हर तरह की तकलीफ, हर तरह की हमारी बात की अंदरूनी भी और बाहर से भी, जब गुरुजी होते थे तो किसी तरह की प्रॉब्लम होती थी तो रूबरू भी हम गुरुजी के सामने बात रखते थे, उस चीज़ का, उस समस्या का हमें रूबरू भी हल मिलता था। आज चाहे गुरुजी दुनिया की निगाह में हमारे बीच में शरीर से या नहीं है, लेकिन यहाँ डेरा सच्चा सौदा में आते वही असीम शांति, वही अपनापन, कहाँ मतलब ऐसी चीज़ें मुझे डेरा सच्चा सौदा में, ये जो इस तरह का पंडाल है, यहाँ बहनें आराम से एकदम से विचर रही हैं, उधर भाई हैं वो अनुशासन में उस साइड हैं, यहाँ ऐसे ऐसे परिवारों की बेटियाँ पढ़ रही हैं जो बहुत ऊंची क्वालिटी के, मतलब हर बिजनेस पेशे में जो अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर तरह की, मतलब उनकी बेटियाँ यहाँ हमारे सास नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही हैं, जो बेटे हैं वो भी बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो गुरुजी को नहीं मानते उन लोगों की भी यही सोच है कि हमारे बेटे बेटियां सास नाम जी गर्ल्स स्कूल में, बॉयज़ स्कूल में पढ़े ताकि वहां उनके संस्कार मजबूत बने। और जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि अगर हमारी बच्ची शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है तो वो एकदम सेफ है, सुरक्षित है, कोई भी बाहर की गंदी लत, बुराई उस बच्ची के अंदर आ नहीं सकती। और हर एक इंसान, मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगी कि अगर इस तरह की दो चार संस्थाएं और भी बनी हो तो वास्तव में ही हमारी बेटियों को ऊंचे संस्कार, और भारत पर भी सारी दुनिया गर्व महसूस करे यदि जो संस्कार इस संस्था में, शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल में, हमारे डेरा सच्चा सौदा के अंदर हमारे गुरुजी जो प्रेरित बेटियों के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, अगर इस तरह की तीन चार संस्थाएँ और हो तो वास्तव में हमारा जो भारत देश है उसका एक नंबर का अनुशासन के मामले में, संस्कारों के मामले, हर क्षेत्र में हमारा आगे रहेगा। गुफा का लेकर बहुत सवाल उठाए गए थे तो उस गुफा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कुछ बताएंगे? देखिए मैडम, अब लोगों की धारणा लोगों ने क्या बना दी, जो भी मीडिया में गुफा 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 कह करके पुकारा गया, दरअसल मैं बताना चाहूँगी कि वो कोई गुफा नहीं है, वो चार दीवारी के अंदर जो भी हमारे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए लोग थे वहाँ गुरुजी के सामने अपनी समस्याएं रखते थे, वहाँ गुरुजी के ठहरने का मतलब जो स्थान है, ऐसे नहीं है कोई वो वहाँ पर डूंगी गुफा है और वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खुला, बिल्कुल सबके सामने। आप वहाँ गए हैं? बिल्कुल, हर बार जब भी मीटिंग होती थी हम वहाँ, गुरुजी जो भी हमारे, हमें वहाँ जिम्मेवारों को मिलते थे, जो भी हम सेवा करते थे, सेवा के दौरान गुरुजी हमारा हौसला बढ़ाते थे और हमें जिस तरह से कोई फर्स्ट सेकंड हमारे ब्लॉक आते थे, जिले आते थे तो सम्मानित भी गुरुजी करते थे, और इस करके हम पता नहीं कितनी बार जब तक गुरुजी हमारे बीच में थे हम वहाँ जाते थे, और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो कि बार अफवाहें गुफा के नाम से फैलाई गई हैं, भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, वो निराधार हैं, एकदम झूठी है। एट लास्ट मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, आप सरकार से क्या अपील करना चाहूँगी? मैं माननीय सरकार से और माननीय अदालत से यही अपील करना चाहूँगी कि हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए जितने भी हमारे भक्त अनुयायी हैं, हम गुरुजी की प्रेरणा से चलते हुए भारत के लिए ही नहीं सारी दुनिया के लिए एक ही संदेश दे रहे थे कि जो वेश्यावृत्ति में लिप्त बेटियां हैं उस कार्य को रोका जाए, जो दारू के ठेके जगह जगह खुले हुए हैं, गुरुजी जो भी हमें शिक्षा देते थे हम उस संदेश को फैलाना चाह रहे थे। आज भी गुरुजी ने जो हमारे लिए दो मानवता भलाई के कार्य हमें सौंपे गए, आज हमारी संगत हर तरफ चारों तरफ मास्क वितरित कर रही है और जो वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, जगह जगह वैक्सीन के लिए मतलब कि वो कैंप्स खोले भी जा रहे हैं। मैं यही अपील करूँगी कि जो भी है आप एक बार अंदर से भी और जो कानूनी कार्रवाई है उस तरीके से भी, हमारे गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं,
और जल्द से जल्द गुरुजी की रिहाई का फैसला लिया जाए, ताकि हमारा जो संस्कारों में गिरावट आती जा रही है, जो हमारे देश में भलाई के कार्यों में रुकावट आती जा रही है, उसमें वो रुकावट ना रहे। धन्यवाद, आपसे बातचीत करकर अच्छा लगा। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने सुना, लगातार यही मांग आ रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा